दोस्तों मैंने ये बेड तैयार किया है बहुत जबरदस्त दिवाली ऑफर के लिए। ये देखिए ब्राउन कलर का है, ब्राउन है, ये व्हाइट है, ये कॉपर है, ये गोल्डन है, दो तीन कलर कॉम्बिनेशन का हमने बनाया है दिवाली ऑफर के लिए। और इसको लेना है आप तो संपर्क कर सकते हैं, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि सिर्फ कोयम्बतूर में ही इस खटिया का डिलीवरी किया जा रहा है, अभी कोयम्बतूर से बाहर डिलीवरी इसकी नहीं है। तो इसको कैसे लेना है ये मैं चलिए आगे वीडियो में बताता हूँ, और किस मटेरियल से ये बनाया गया है, किस मटेरियल से बनाया गया है और किस मटेरियल से पॉलिश किया गया है ये भी आगे वीडियो में हम दिखाते हैं। वो ये है साइड, जिस साइड को हम पॉलिश करने वाले हैं आज, ये है। तो सबसे पहले हम बता दें कि किस मटेरियल से बनाई गई है। तो ये देखिए सबसे पीछे ये कमर्शल प्लाई लगी हुई है, पूरी एक कमर्शल प्लाई है, और ये जो है सामने ये बीनियर लगा हुआ है, इतना बीनियर लगा हुआ है, उसके ऊपर डिजाइंस जो बनाए गए हैं ये MDF से बनाए गए हैं, और सागवान की सिर्फ एक बीडिंग लगाई गई है, ये ऊपर वाली जो बीडिंग है, ऊपर की और साइड की, सिर्फ सागवान की उतनी बीडिंग लगाई गई है, बाकी ये है इसका मटेरियल। तो चलिए इसको उठाते हैं और ले चलते हैं पॉलिश के लिए। तो ये देखिए कारपेंटर है जिसने बनाया, ये भी उठवाने में मदद कर रहा है, तो इसको हम ले चलते हैं अपने अड्डे पे। ये अपनी पॉलिश की पूरी टीम है, ये देखिए अपना पॉलिश का वर्कशॉप है, यहाँ पे पॉलिश हो रहा है और यहाँ पे इसको हम रखते हैं। और ये अपना कारपेंटर भाई, थोड़ा देखो इधर, ये ही इस डिजाइन को बनाया है। तो चलिए हम काम अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे ग्राइंडिंग का काम, तो ये ग्राइंडिंग कर रहा है, और ग्राइंडिंग करने के बाद हम करेंगे घिसाई, क्योंकि पॉलिश में जो है अच्छी पॉलिश करने के लिए घिसाई मेन होती है। अगर घिसाई बहुत बढ़िया हो गई तो पॉलिश अच्छा होता है, अगर घिसाई बढ़िया नहीं हुआ तो पॉलिश भी बढ़िया नहीं होता है, मटेरियल चाहे जौन सा आप लगा लीजिए। और घिसाई होने के बाद जो है पहला कोट ये लगाएगा सीलर का, क्योंकि पट्टी होगा तो सीलर लगाने के बाद ही पट्टी बढ़िया होता है। तो ये अब सीलर लगा रहा है, सीलर भी लगा सकते हैं, और सीलर के अलावा लाक दाना का एक पॉलिश होता है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सीलर लगा रहा हूँ। और सीलर लगाने के बाद जो है एक दो कोट सीलर लगाया जाएगा, और सीलर लगाने के बाद करेंगे इस पर हम पहली बार पट्टी। तो ब्लैक कलर का पट्टी लिया हूँ, क्योंकि इस पर जो है ब्राउन कलर करना है तो ब्लैक पट्टी ही ठीक रहेगा। तो ये पट्टी फुलफिल कर दी जाएगी इस पर, और ये देखिए तो पट्टी फुल फिल करने के लिए बलवंत भाई जो है इसमें हाथ बटा रहे हैं। तो पट्टी हो गई, पट्टी होने के बाद जो है इसके बैक साइड में जो है अस्तर लगेगा। तो ये देखिए अब अस्तर जो है लग गया, और बच गया है 9। अब देखिए आज D1 हो गया समाप्त और अस्तर लग गया, और अपनी पूरी टीम जो है छुट्टी की तरफ बढ़ रही है अब, क्योंकि 9 बज गया, और ये देखिए अपना खाना भी बनने का तैयारी शुरू हो गया। तो आज का काम अब करते हैं ख़त्म, अस्तर लग गया, बाकी अब शुरू करेंगे दूसरे दिन कल से। आज है दोस्तों दूसरा दिन, और दूसरे दिन जो है अस्तर और पट्टी बढ़िया से सूख गया है। तो सूख जाने के बाद जो है गुलशन कटाई कर रहा है ये बढ़िया से, और कटाई करने के बाद जो है इसकी मिट्टी जो भी होगी, मतलब पट्टी जो भी काटेंगे, इसका डस्ट जो भी होगा, इसको साफ़ करेंगे, और साफ़ करने के बाद इस पर चढ़ाएँगे 2-3 कोट सीलर, और सीलर खूब बढ़िया से लगा देंगे, क्योंकि सीलर खूब बढ़िया चलाएंगे तभी जो है चिकनापन इस पर आता है। और सीलर चढ़ाने के बाद जो है फिर से करेंगे पट्टी, और ये जो है प्रोसेस 3-4 बार चलता है, जब तक जो है बढ़िया से इसकी फिलिंग हो नहीं जाती है तब तक यही प्रोसेस चलता रहेगा कि पट्टी करो, कटाई करो, सीलर मारो। तो ये जो है पट्टी पूरी हो चुकी है और इसकी कटाई कर रहा है, और कटाई करने के बाद जो है फिर वही होगा कि कटाई करने के बाद जो है फिर सीलर लगेगा, ऐसे ही 3-4 बार करना पड़ेगा जब तक कि इसकी फुल फिलिंग हो नहीं जाती है। तो ये लास्ट चल रहा है फिलिंग का प्रोसेस। अब ये जो है बेस से आगे है, आगे बलवंत भाई के हाथ में, तो ये देखिए बीच वाले डिजाइंस को पैक करके सरफेक्सर मार दिए हैं, और जो भी छोटा छटका है उसको पट्टी चेक कर रहे हैं कि लास्ट फिनिशिंग में कोई भी कमी ना आए, और ऐसा ये 2-3 बार करेंगे। ऐसा करने से क्या है कि लास्ट फिनिशिंग में कोई भी 1% की कमी नहीं बचेगी पॉलिश में। तो ये चेक कर रहे हैं और 3-4 बार ऐसा करेंगे, और पट्टी चेक करने के बाद जो है ये करेंगे कटाई, जो भी पट्टी किए हैं, और कटाई करने के बाद जो है इस पर 2-3 बार जो है सरफेसर मारना होता है, और उसके बाद जो है 2-3 बार जब फुल फिलिंग हो जाती है, बढ़िया से बेस बन जाता है, तो मारते हैं लास्ट में डी को। तो ये मार रहे हैं लास्ट कोट डी को। तो डी को मारने के बाद जो है हम रख देंगे
चार छः घंटे सूखने के लिए, जब तक बढ़िया से सूख नहीं जाता है। तो ये सूखने के बाद देखिए मैं जो है वाइट वाला है उसको मैं पैक कर रहा हूँ, और पैक करने के बाद जो MDF लगा था उसमें मैं पीला कलर कर रहा हूँ। पीला कलर इसलिए कर रहा हूँ कि इस पर जो है डिजाइंस कुछ बनाए जाएंगे, ग्रिंच टाइप के लकड़ी टाइप के डिजाइन बनाए जाएंगे, क्योंकि MDF जो होता है बिल्कुल प्लेन होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो पीला कलर चढ़ा के और उसके ऊपर हम थोड़ा सा चढ़ाएंगे सीलर, और उसके बाद बनाएंगे डिजाइन, क्योंकि डिजाइन बना देंगे तो थोड़ा देखने में अच्छा लगने लगेगा, मतलब लकड़ी टाइप की लगेगी। इसी टाइप का जो है फ्रॉड करने वाले लोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से आप लेंगे तो यहाँ पे फ्रॉड नहीं होता है, यहाँ पे सच बताया जाता है कि MDF लगाया गया है, उसके ऊपर ये डिजाइन की गई है। तो उसके बाद ये देखिए बलवन भाई बना रहे हैं, इसके बाद इस पर ग्रीन्स, और ये ग्रीन्स इस हिसाब से बना रहे हैं कि सागवन की लकड़ी टाइप का ये कुछ मैच करा रहे हैं। तो ग्रीन्स भी ठीक बनता है। ग्रीन्स बनने के बाद जो है ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि MDF लोग ऐसे ही बनाते हैं, तो आप धोखा ना खाएं। ध्यान रखें कि इसी टाइप के लोग बना करके झूठ बोल देते हैं कि ये सागवान की लकड़ी है, लेकिन हमारे यहाँ से आप मंगवाइए MDF है तो MDF ही बोला जाएगा, उसकी पूरी गारंटी होती है, आप चेक भी करवा सकते हैं किसी भी लैब में। और ये जो है उसके बाद मैं ब्राउन कलर डाल रहा हूँ, और लगभग अब मैं पूरा फिनिशिंग के आसपास आ गया हूँ, फिनिशिंग के पास, क्योंकि कलर लास्ट पड़ रहा है, इसके बाद बहुत कम काम बचा है। और इसके बाद ये मैं मार रहा हूँ ऊपर से TT, तो कहीं पे TT कहा जाता है, कहीं पे क्लियर कहा जाता है, कहीं पे लेकर कहा जाता है, जिस भी नाम से आप जानते हो। तो ये TT मार रहे हैं हम लोग, मतलब लेकर मार रहे हैं, लेकर मार के कुछ देर सूखने के लिए हम इसको छोड़ देंगे। और इसके बाद सूखने के बाद जो है वाइट वाला है इसको हम खोलेंगे, और ये देखिए बलवंत भाई खोल रहे हैं, और चारों को खोल लेंगे, और खोलने के बाद आगे का डिजाइन हम करेंगे इस पर। तो ये मैं मशीन से जो है ब्लैक सेट डाल रहा हूँ किनारे किनारे पे अच्छा लगने के लिए, और ये बलवंत भाई बीच वाले को जो है गोल्डन कर रहे हैं, बीच वाले को गोल्डन करेंगे और किनारे वाले को कॉपर। तो ये देखिए गोल्डन चढ़ रहा है, अभी पहला कोट लग रहा है, तो फाइनल के बाद थोड़ा सा ये अच्छा लगेगा। तो ये देखिए कॉपर हो रहा है, तो बलवंत भाई कॉपर कर लेते हैं, मैं वाइट सेट डाल ब्लैक सेट डाल लेता हूँ, और इसके बाद देखते हैं। तो ये रही हमारी साइड, ये देखिए हमने डार्क ब्राउन कलर कर दिया है और ब्लैक से सेट डाल दिया किनारे किनारे, ये वाइट रहा और ये कॉपर दोनों तरफ, बीच में गोल्डन, और ये रही हमारी पूरी साइड। और ऐसे ही पूरी साइड फिनिश करने के लिए हमें सपोर्ट करती है ये हमारी पूरी टीम। और ये देखिए फाइनल टच दे रहे हैं हमारे बलवंत भाई ग्लोसी से, और ग्लोसी होती है हमारी कैट कंपनी की, और कैट जो है इस पूरे तमिलनाडु की बहुत फेमस कंपनी है। और इस खटिया के बारे में जानकारी आपको चाहिए कि खटिया कितने की है और कहाँ डिलीवरी की जा सकती है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दिया हूँ, वहाँ से आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत लंबा हो गया और आप बोर भी हो जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।